जो बात हमने कही कि एक प्रोग्राम शुरू हुआ और इसके इम्प्लीमेंटेशन की रफ्तार, और कौन कौन से ऐसी पॉजिटिव बातें हैं जो चाइना को चाइना बनाती है, क्योंकि यहाँ का जो विकास हाल ही के दिनों में हुआ है उसको देखकर किसी भी की भी आंखें चौंधिया। तो देखिए मैं यहाँ पे करीबन 6 साल से हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि चाइना और भारत में बहुत समानताएं भी हैं, असमानताएं भी हैं। अगर समानताओं की बात करते हैं तो समानता ये है कि जैसे कि अमित जी ने कहा कि मानवीय मूल्य, जैसे हमारे यहाँ पारिवारिक मूल्य हैं, ऐसे पारिवारिक मूल्य यहाँ भी हैं। ये भी एक संगठित परिवार में रहना चाहते हैं, ये भी अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और असमानताएं ये हैं कि जैसे कि अभिषेक जी ने कहा कि यहाँ पर एक मैन पॉलिसी है कि एक बार आपने जो स्थापित कर दिया उसके बाद आपको फॉलो करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में समस्या ये है कि फॉलोअर्स कम है, लीडर्स ज्यादा हैं, और उस वजह से हमारे जरा समस्याएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। मैं एक आईटी कंपनी के लिए काम करता हूं और मेरा मानना यह है कि चाइना आईटी में हिंदुस्तान से पीछे है, तो ऐसा कहना सही नहीं होगा कि चाइना हमसे हर जगह आगे है। मान लिया ओलंपिक में हमसे वो आगे है, खेल जगत में आगे है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे है, पर तकनीकी भी जहां तक बात आती है, जहां तक मैथमेटिक्स की बात आती है, सॉफ्टवेयर की बात आती है, मेरे ख्याल से वो हमसे बहुत कुछ सीख रहे हैं।